लो, पहले अपने जन्म की कथा सुनो। उसके सुनने से तुम्हारा अपना बल और पराक्रम याद हो जाएगा। तुम्हें अपना बल और पराक्रम याद हो जाएगा। हिमाचल पर्वत पर कश्यप ऋषि अनेक साधनों से ही रहते थे। एक दिन वहाँ एक हाथी आया। और ऋषियों को मारने के लिए दौड़ा। किंतु तुम्हारे पिता केसरी ने उसे मार डाला। इस पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन जैसे वेग वाला बलवान और बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। एक दिन तुम्हारी माता अंजनी पर्वत पर बैठी थी। तभी पवन देव ने उनके शील को उड़ाकर शरीर को स्पर्श कर लिया। उन्हीं के आशीर्वाद से कार्तिक मास चतुर्दशी के मंगलवार को मेष लगन में तुम्हारा जन्म हुआ। एक दिन आपने उदय होते हुए लाल सूर्य को पकड़ने के लिए अपनी भुजा उठाई और तब इंद्र ने एक वज्र तुम्हारी ठोटी पर मारा जिससे तुम्हारा नाम हनुमान हो गया। इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी निकल जाओगे।